Nah, Baba, nah. So, I am going to tell you a technique which helps you to complete this entire chapter in just 25 minutes, or uh, maybe less than that. Yeah. And you can follow this technique in. एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के आप चीटशीट क्रिएट कर सकते हो एंड जब आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है आपको कॉन्फिडेंस आता है ना दिस इज वेर दिस आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई अलॉन्ग विद दैट आपके इस चैप्टर के अंदर पीएच स्केल हो गए एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन सो एनी डी ओके सो आज के सेशन से यू विल गेट हेल्प फॉर अदर सब्जेक्ट्स इज वेल इज अ गुड पार्ट बट बिफोर वी मूव ऑन लेट मी शो यू द सिलेबस का तीन घंटे का मैराथन होने वाला है बॉस सो एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड इन 3 आवर्स एंड दैट सैटरडे 6 बजे तो तुम लोग वैसे भी स्कूल वूल से आ चुके होंगे एकदम फ्रेश फ्रेश होगे सो so, तीन घंटे में यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर केमिस्ट्री सिलेबस तो बॉस डरने का नहीं है एग्जाम आने वाले हैं मिड टर्म्स आ रहे हैं एक बार में बैठ के सब खत्म हो जाएगा यू डोंट हैव टू सिट विद इट अ ज्ञान एंड अ ज्ञान एंड अ ज्ञान क्वेश्चन भी करेंगे एंड हर एक टॉपिक को थारली पढ़ेंगे भी ओके ऑन संडे वी विल बी सॉल्विंग ऑल एनसीआर इंटेक्सड क्वेश्चन सो बॉस मजा आने वाला है And I hope uh, you will also enjoy these sessions. चले, so uh, let's have a motivational dose. A motivational dose is just one small positive thought. Thought in the morning can change your whole day. इसको उल्टा सोच के देखो. अगर आपकी morning किसी खराब चीज़ से होती है, तो you feel like कि मेरा पूरा दिन खराब गया है. Do you think so? So if that negative thing impacts you so deeply, then why not a positive thing? अगर हम सुबह उठते कुछ अच्छा सोचते हैं और entire day goes so good, so beautiful. So why not wake up with a positive attitude? और जो भी बीच में यार ups and downs आते हैं, वो हर किसी के लिए आते हैं. So this is how life works. This is how our uh, days and days works, right? कभी अच्छा but always wake up with one positive thought and you will going to have that positive attitude maintained for your entire day shall you guys so after that positive thought of the day do not forget to join me on my insta channel as well as you can join on telegram channel for more informational and knowledgeable videos

कड़वे होते हैं एकदम ऑन अदर हैंड एसिड्स का प्रॉपर्टी होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना एंड बेसिस डू उल्टा दैट मीनस दे टर्न रेड इंटू ब्लू बी से बी याद कर सकते हो यस अगर कलर याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन ईजिली रिमेंबर कि बी विल बी रिलेटेड टू ब्लू तो जब रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है दैट विल बी अ बेस और अगर ब्लू रेड डेंजर में कन्वर्ट होता है विच इज अ डेंजर कलर देन यू कैन रिमेंबर एंड रिकॉल एसिड्स डेंजर ओके ना एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से आता है सो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर और द अदर हैंड बेसिस का बेसिक कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ओ एच माइनस आइन से जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आइन्स और हाइड्रोक्साइड आय ना एसिड का पी एच लेस देन सेवन होता है एज यू हैीन दी एच स्केल टू जीरो सिर्फ सेवन के बीच का जो अः आ... डेटा होता है पीएच होता है दैट शोज बिहेवियर सेवन से ऊपर होगा टिल फोर्टीन इट विल बी अ बेसिक वन एंड इफ इट विल बी इट विल शो केस न्यूट्रल बिहेवियर नाउ एसिड्स का अगर हम एग्जाम्पल ले मांग स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड स्ट्रॉग होंगे एच सी एल विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एच सी एल के दो नाम होते हैं एक होता है हाइड्रोजन क्लोराइड और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कई सारे बच्चे नामों में कंफ्यूज होते हैं So, ये नाम बदलता है उनके स्टेट से सो so, HCl अगर लिक्विड स्टेट पे है तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अगर HCl सी एल स्टेट में है वी कॉल इट एज हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है या

इन विन ए गाय चट चट करके जो तुम लोग चाउमिन खाते हो ना इट कंसिस्ट ऑफ विनेगर या मंचूरियन फ्राइड राइस है ना मुंह में पानी आ रहा होगा एस प्योर फोर हम बेसिस की तरफ जाते हैं तो बेसिस का जो पी एच है स्ट्रॉन्ग बेसिसम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेसिस के अंदर आता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज वन एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिसप्ट माइंड में आने लगता है कि अच्छा इंडिकेटर्स के अंदर हमारे नेचुरल भी होते थे सिंथेटिक भी होते थे सिंथेटिक होता है जो कि मैन मेड होता है विच इज मेड इन लेबोरेटरी सचाइल ऑरेंज हो गया फिनोक्न हो गया ठीक है फिर को हम लोग एक्चुअली में शॉर्ट में पता है क्या लिखते हैं पी एच पी एच लेकिन ये सिर्फ आप लोग जब नोट्स बनाते हो ना सिर्फ नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को ये शॉर्टकट का यूज़ करना है एग्जाम में ये शॉर्टकट आप यूज़ नहीं कर सकते नॉट इन ग्रेड टेन बट आगे जाके आप बिल्कुल ये शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हो फॉर नाउ टू मेक नोट्स यू कैन सेव योर टाइम बाय राइटिंग पी एच पी एच ओके सो आर टू ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो आपके सिलेबस में है नाउ कमिंग टू नेचुरल नेचुरल बोले तो विच कम्स इन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स जिनको नेचुरल सोर्स से लिया गया है फॉर एक्साम्पल डाइज डाइज या फिर बोलो लिटमस कहाँ से आया है लिटमस कम्स फ्रॉम द डाइज ऑफ लाइक है ना लाइकिन ऑर्गेनिज्म हुए एंड दे आर कमिंग फ्राम नेचर नेचुरल सोर्स से डाई निकाला गया है तो इसलिए हमने उसको नेचुरल इंडिकेटर uh, uh, में रखा है नाउ कमिंग टू ऑल फैक्ट्री ऑल फैक्ट्री बोले तो विद चेंज इन स्मेल

चाइना रोज चाइना रोज को हम लोग गुड़हल भी कहते हैं हिंदी में विच इज आप लोग चाइना रोज के बारे में बायो में पढ़ के आते हो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सो येस चाइना रोज इज वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर एंड अदर इज turmeric विच इज हल्दी जिसके लिए हम लोगों को बहुत डांट पिटती है अगर हम व्हाइट कपड़ों के ऊपर हल्दी गिरा दे तो जो मम्मी की चप्पल घूमती हुई आती है दूर से तो समझ में आ जाता है कि भाग लो भाई इससे पहले की बात बिगड़ जाए निकल लो वहां से ओके नाउ कमिंग एज टू इंडिकेटर का चेंजेस यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों के पेपर में सो यू कैन क्रिएट अ टेबल जहां पर आपको हर चीज क्लियरली समझ में आ रही है दिखा

ज हूँ सो ऑरेंज कलर विल चेंज इन टू रेड कलर इन एसिडिक्फ इन टू येलो याद करना अगर आपने इस शीट पर नजर मार ली ड्यूरिंगल प्रॉपर्टीज so का पार्ट विल बी कम्पलीटेड है ना चार पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे बस एक जगह देखा एंड यू आर डन सो स्टार्टिंग अपन रियक्शन एसिड्स और बेस आपस में मिलकर अपने को, अपने uh, प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं नलिफाई कर देते हैं जैसे कि अगर आप लोग बहुत सारे पुचके खा लो गोलगप्पे खा लो तो क्या होता है एसिडिटी होता है उस एसिडिटी को रिलीफ देने के लिए आप लोग इनो लेते हो पुदीन हरा लेते हो जेल्यूसिल लेते हो सो सच काइंड ऑफ रिएक्शन विल गोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपका जनरल रिएक्शन कर डाला तो लाइव जिंगल आला जनरल रिएक्शन से आपका आधा काम कंप्लीट हो जाता है सो एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं ये आपको समझ पे पता है ये आपको Uh, समझ में आ चुका है नाउ एसिड आपको पता है एच सी एल एन एच इज बेस जब दोनों मिल रहे हैं दे विल बी गिविंग यू सोल्ट अब सोल्ट बनाना यू नो दैट हाउ टू क्रिएट फार्मूलाज जब आपको पता है फॉर्मुलाज कैसे बनते हैं यू कैन इजिली मेक द प्रोडक्ट एनए सी एल मिला वॉटर मिला राइट नाउ सेम थे वही कैरेक्टर्स शो करे ऑब्वियसली बात है सो मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं मेटलॉक्साइड बिकॉज देर बेसिक एसिड के साथ रिएक्ट करके दैट विल गोइंग टू गिव यू सॉल्ट एंड वॉटर इन रिटर्न

नाव ओन दी हद एंड मेटल्स टू रिएक्ट विद बेस लेकिन सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स ही बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं एम्फोटेरिक बोले तो विच हैज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट विद एसिड ऑल्सो एंड बेस ऑल्सो एकदम मक्खन रिएक्शन शो करते हैं नाव एज यू कैन सी कि जिंक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है तो जिंक बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है एंड गिव यू रिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बट सॉल्ट का फॉर्मूला थोड़ा ट्विस्टेड होता है इन केस ऑफ बेसिस जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा गलती करते हो तो प्लीज यू रिमेंबर इट सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस ऐसे ही आप अलूमिनियम को भी रिएक्ट करा सकते हो विच इज अगैन योर अनदो एम्फोटेरिक एलिमेंट ठीक है अनदर मेटल दैट गिव्स यू सोडियम और उसके साथ हाइड्रोजन गैस विच बर्न विप आउट नाउ कैमिंग रिएक्शन विद कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स अगर होते हैं मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट उनका नेचर होता है बेसिक क्योंकि उनका नेचर बेसिक है तो वो हमेशा एसिड के साथ ही रिएक्ट करना चाहते हैं बेसिस को दे दे इग्नोर डू नॉट शो एनी सोडियम कार्बोनेट एज वन एग्जाम्पल हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया एच टू एच फोर रिस्पेक्टिव आपको सॉल्ट मिला सोडियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग ब्रिस्क एफरवेंसिस ठीक है क्या प्रोड्यूस करेगा दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस ब्रिस्क एफर वेंसिस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आता है तो चाहो तो एक साइड में और शीट बना के टेस्ट लिख सकते हो जैसे हाइड्रोजन का टेस्ट हो गया पॉप साउंड कार्बन डाइऑक्साइड के तीन टेस्ट आप लिख सकते हो वन इट एक्सटिंग फायर सेकेंडली इट इवॉल्व विद ब्रिस्क एफोवेंसिस ब्रिस्क एफोवेंसिस बोले तो जब आप हम लोग uh, सोडा बॉटल खोलते हैं फ्रेश बॉटल खोलते हैं सोडा की या कोल्ड ड्रिंक की दैट कम्स विद साउंड है ना वो जो साउंड निकलता है ना यहाँ केमिस्ट्री में उसको थोड़ा अच्छे से टर्म में बोला गया है दैट इज प्रिस्क एफोवेंसिस ठीक है एंड थर्ड टेस्ट आपका

तो बेस के साथ तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे भावी नहीं देंगे एसिड के साथ जरूर रिएक्ट करके सेम मेटालिक सॉल कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर अब यहाँ पे भी हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया HCl लिया पिछले वाले रिएक्शन में देखो हमने क्या लिया इन दैट वी टुक सोडियम कार्बोनेट एंड H2SO4 ठीक है ओवरऑल uh, आपको मेटालिक सॉल्ट मिलेगा पानी मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा अगर मैं यही रिएक्शन को सोडियम कार्बोनेट को एच के साथ रिएक्ट कराऊं, दैट विल गोइंग टू गिव मी एन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बस दोनों में डिफरेंस क्या होगा द ओनली डिफरेंस दीज टू रिएक्शन विल बी इज विद बैलेंसिंग सिर्फ बैलेंसिंग में इन दोनों में डिफरेंस आएगा बाकी एकदम सेम uh, रहेगा ठीक है नाउ रिएक्शन विद ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर तो बेसिक होने की वजह से वो एसिड के साथ अपना रिएक्शन शो करते हैं एंड बेस के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वे गोइंग टू रिएक्ट

मिल जाता है वाई दे बोस ट्यून अप टूगेदर बहुत अच्छे से ये एसिडिक है ये बेस है सिंपल ठीक है दैट गिव्स यू अगेन सॉल्ट एंड वाटर विच इज अ टाइप ऑफ और सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन

हाइड्रोक्सिल आय भी बुलाते हैं ओके okay जी नाउ कमिंग अप टू पीएच स्केल यहाँ तक हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं कितनी फटाफट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग नाउ कम्स टू पीएच स्केल पीएच बोले तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यही होता है पीएच का मतलब पीएच से आपको ना कि सिर्फ ये पता चलेगा कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है बट अलोंग विद दैट आपको उनका स्ट्रेंथ भी पता चलेगा स्ट्रेंथ बोले तो वेदर एसिड और बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक

Call it as neutral, that, uh, means से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको काम में आता है पी एच इज इनपोल टू एच प्लस आई एंड कॉन्सेंट्रेशन प्लीज मार्क दिस आर सुपर इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बहुत काम आता है Now coming up to colors. आप लोगों को लगता है मैम हमें कलर्स भी याद करने पड़ेंगे क्या कि पीएच के ऊपर कौन सा कलर आएगा तो वो एसिडिक होगा कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा कि वी हाँ जी आप लोगों को एग्जैक्ट कलर याद नहीं करना है कोई आपसे एग्जैक्ट कलर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता Because we know, guys, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे आप एग्जैक्ट कलर तक नहीं पहुंच सकते बट यू कैन लर्न द रेंज ऑफ कलर्स आप रेंज ऑफ कलर्स याद कर सकते हो कैसे विब गा लेते हैं फ्रॉम फोर्टीन ऑनवर्ड्स विब जी वाई ओ आ ठीक है वायलेट इंडिगो की तरफ जो कलर होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस अगर ग्रीन आ रहा है दैट विल बी न्यूट्रल तो ग्रीन आपका बीच का है नाउ कमिंग अप टू रेड साइड रेड विल डिपिक्ट अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर येलोइश ग्रीन आ रहा है तो दैट विल बी अ वीक एसिड ग्रीनिश ब्लू आ रहा है दैट विल बी अ वीक बेस सो आई होप यू एटलीस्ट गेट एन आइडिया अबाउट रेंज ऑफ कलर्स यूजिंग दिस टेक्निक सिंपल सा टेक्निक है जिससे अगर कलो बेस क्वेश्चन भी आता है पीएच के अंदर सो यू वोंट फील लाइक कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं हमें तो कैसे पता चलेगा जब तक हम लोग इसको डिप करके नहीं देखेंगे सो या दिस इज द वे यू कैन गेट टू नो बट आपको सिर्फ एक रेंज का आइडिया लगता है यू नेवर रीच अप टू द एग्जैक्ट कलर वो आप एग्जैक्ट कलर तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप खुद जाके लैब में उसको टेस्ट नहीं करते

So, to answer such questions, आपको उनके मम्मी पापा को ढूंढना है आपके उन, आपको उनके और बोलेगा ढूंढो और कुछ पुण्य का काम करो तो इट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो बच्चा आएगा न्यूट्रल प्लस वाटर सोल्ट विल बी क्रिएटेड न्यूट्रल जब दोनों पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा वार न्यूट्रल होगा जब दोनों में से एक भी पेरेंट्स

So these are all.

मार्क क्वेश्चन डायग्राम के साथ वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग लेगा और साथ में रिएक्शन। नाउ इट आउट फाइव मार्क क्वेश्चन ऑल्सो जब वो आपसे यूज़ेस भी पूछ ले बीच बीच में तो दैट कुड बिकम अवेश्चन

आप लोगों को पकोड़े नहीं मिलते अगर सोडियम क्लोराइड नहीं होता सोडा नहीं मिलता अगर सोडियम क्लोराइड नहीं होता क्लोरीनेटेड वाटर के लिए क्लोरीन नहीं मिलता अगर सोडियम क्लोराइड नहीं होता हाइड्रोजन गैस के लिए फ्यूल मिलना मुश्किल होता, अगर नहीं होता। अभी तो मैंने बहुत सारी और की बात ही नहीं करी है बात करते हैं क्लोर एल्किली प्रोसेस की जहां पे एनएसियल प्लस वाटर इसे हम कहेंगे ब्राइन सोल्यूशन नमक के पानी को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दैट विल गोइंग टू गिव यू वी कॉल इट कॉस्टिक प्लस क्लोरिन गैस एंड हाइड्रोजन गैस ठीक है नाउ वट इज दिस डायग्राम डिपेक्टिंग यू की आपका जो एन है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है कैथोड के पास में प्रोड्यूस होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा एप्टेड नियर कैथोड ठीक है आप लोग का क्लोरीन कहाँ इवॉल्व होता है एनोड पे हाइड्रोजन कहां मिलेगा कैथोड पे यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास वन मार्क में वेयर विल हाइड्रोजन बी इवॉल्वड इन क्लोर-अल्कली प्रोसेस वेयर फ्रॉम वेयर विल यू एक्सट्रैक्टेड कैथोड क्लोरीन कहां मिलेगा एनोड पे NaOH कहां मिलेगा नियर कैथोड okay so this is how you can create a cheat sheet where uh, you will going to have

क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। Now, bleaching powder का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? अगर हम लो ड्राई this is dry slaked lime, को हम लोग लोग को क्लोरीन क्लोरीन के थ्रू पास कराएंगे। क्लोरीन कहां से मिला दिस क्लोरीन टेकन फ्रॉम क्लोर तो यहां पे सोडियम क्लोराइड इज बीन यूज इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सोडियम क्लोराइड काम आ रहा है क्योंकि क्लोराइल के लिए प्रोसेस से हमने क्लोरीन निकाला इस क्लोरीन को हमने ड्राई स्लिकलाइन के साथ रिएक्ट कराया एंड इन रिटर्न दैट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड विच इज कॉल्ड एज ब्ली पाउडर

भाई मैं तो पसंद करती हूँ खाना बनाना अगर कोई पसंद करता है तो प्लीज़ यू लेट मी नो इन चैट बॉक्स कि बेकिंग सोडा का काम क्या होता है एग्जैक्टली आप बेकिंग सोडा क्यों डालते हो थोड़ा सा डालते हो कि भर के डालते हो बेकिंग सोडा सो इन फैक्ट अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा कैन डू क्रिस्पी पकौड़े बनाने तो डाल दो अगर आप ट एन एच सी थ्री इज योर बेकिंग सोडा और इसका केमिकल क्या होता है सोडियम बाय कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे है मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी मैन्युफैक्चरिंग बी डन विद अमोनिकल ब्राइन देखो सोडियम क्लोराइड और पानी को तो हम बोलते हैं ब्राइन है ना इसको तो हम मिला के बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन अब इसी में अगर मैं अमोनिया डाल दू तो इसको हम बोलेंगे अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन सिंपली वी कॉल इट एज अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन इस अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में अगर हम थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देते हैं दैट इन रिटर्न विल प्रोवाइड यू बेकिंग सोडा और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट ठीक से ओके नाउ व्हाट आर द यूजेस यूजेस आप बेकिंग सोडा यूज करते हो एंट एसिड के तरीके से यू आल्सो यूज इन प्रोड्यूसिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर किससे निकलता है बेकिंग सोडा से निकलता है कैसे निकलता है जब हम बेकिंग सोडा में माइल्ड एसिड लाइक टाट्रिक एसिड डालते हैं दैट प्रोड्यूसिस बेकिंग पाउडर एंड इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसड फायरिक्सिंग क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा अगर बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं डीकम्पोज होके दैट प्रोड्यूसिस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर क्योंकि इट हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग

सो दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड डेकाहाइड्रेटेड बोले तो टेन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा जिसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर इट वी प्रिपेयर इट इन स्टेप्स इसको हम लोग स्टेप्स में करेंगे पहले तो बेकिंग सोडा बना ठीक है बेकिंग सोडा को हमने हीट करा दैट गिव्स यू सोडा एश दिस इज कॉल्ड एज सोडा

आप इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करोगे हाउ यू विल राइट दी आंसर वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर फॉर यू गाइस ये आपने यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन करा है इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर थ्री टू फोर मार्क्स इन दैट केस आप एक रिएक्शन और दोगे फर्स्ट यू विल शो दी प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का प्रेपरेशन एन प्लस वाटर प्लस अमोनिया

थर्ड स्टेप बी सोडा आश का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे यूल राइट कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑन एरो इन रिटर्न एज ए प्रोडक्ट यू विल गेट वॉशिंग सोडा ठीक है सिंपल क्लियोर बॉस वेरी वेरी सिंपल अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप ये तीनों रिएक्शंस लिखोगे इसका ओरिजिनेशन से लिखोगे ओरिजिनेशन फ्रॉम एन एस एल दैट रीचेस स्टिल सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के बाद यहाँ पे वॉशिंग सोडा नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा

कंपाउंड लूज बॉन्डिंग हम लोग डॉट से शो करते हैं सो कॉपर सल्फेट सराउंडेड विथ फाइव ठीक है एंड दिस बॉन्डिंग इज वेरी वेरी लूज इट्स वेरी वेरी वीक तो इसको शोकेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दैट वीक बॉन्डिंग इज शोन विद द डॉट एंड फाइव

बिल्कुल नहीं इट इज ड्राई दे आर क्रिस्टलाइन ये पांच वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवरऑल इनका सिग्निफिकेंस होता है दे प्रोवाइड कलर टू द कंपाउंड कलर के साथ साथ दे आल्सो प्रोवाइड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टू अ कंपाउंड तो आपसे यहाँ पे वन मार्क का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिग्निफिकेंस पे आप दो पॉइंट दोगे पहला पॉइंट दे विल प्रोवाइड कलर टू द कंपाउंड एंड सेकेंड पॉइंट दैट यू कैन गिव इज द क्रिस्टलाइन

ये रिएक्शन रिवर्सिबल है विच इज अ ब्यूटीफुल पार्ट अगर हम इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड करते इवन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप ऐड करो देन इट विल टर्न अगेन बैक इनटू ब्लू कलर ऑफ ब्लू विट्रियल या कॉपर सल्फेट .5H2 ब्लू विट्रियल इसका कॉमन नाम है नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दैट यू कैन टेक इज पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस को uh, हम लोग क्या करेंगे? We'll add water into that. Moisture add करते ही फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू डाइ हाइड्रेटेडी का फॉर्मूलाइड्रेटेड हाफ एच टू हाफ एच टू का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल को ओन करते हैं मतलब दो कैल्शियम सल्फेट इज बॉन्डेड विद वन वाटर मॉलिक्यूल सिंपल सी बात है भाई एक सिंपल सी मैथ्स लगाओ टू कैल्शियम सल्फेट इज कनेक्टेड विद वन वाटर मॉलिक्यूल तो वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट किस कितने से कनेक्ट करेगा हाफ से सिंपल सा है ना हाफ वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट करेगा सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पी ओ P, that's a plaster of Paris called as hemihydrated. Hemi means half. Samasla. There are other examples of water of crystallization, Jesse, green vitriol, ferrous sulphate, hepta. Hydrated. So there are few important examples for your uh, exam point of view. Reactions. Rakna, this is how you can create a cheat sheet for any subject, for any chapter. And you have finished this entire chapter. you topic ko apne cover kara hai, with all important reactions as well. So guys, this is a gift that you can take and use it. It will really, really be helpful to your uh, near your exam. When exam ke liye bhagna and you have to just revise.

Okay ji, that was it from my side. Do not forget to share, subscribe and comment and do press the bell icon to get more informational videos like this, more helpful videos for your exams. So chade chade. this is me Rajita, Sushdeva signing off. Thank you, have a nice time, stay safe, stay happy, always. Bye, take care.